नमस्कार दोस्तों, ट्रेन का सफर जमीन पर मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेस्ट साधन है, जिसमें हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग मिलजुल कर बिना भेदभाव के सफर करते हैं। रेलगाड़ी पर सफर करने का एक अलग ही आनंद होता है। उस रेलगाड़ी की शोर में अंदर बैठे लोग के साथ गपशप में और बाहर के शानदार नज़ारे का एक अलग ही फीलिंग होता है। आप में से तो सभी लोगों ने कभी न कभी तो इस चीज़ का आनंद उठाया ही होगा। तो आज हम दुनिया में चल रहे रेलगाड़ी के अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, क्योंकि करीब 2.5 लाख किलोमीटर लंबाई के साथ अमेरिका का रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, जो कि विश्व के दूसरे सबसे लंबे नेटवर्क से 2.5 गुना लंबा है। US रेल नेटवर्क का 80% हिस्सा मालगाड़ी के द्वारा यूज किया जाता है और यहाँ की पैसेंजर्स रेल एमट्रैक के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें 46 अमेरिकी राज्यों में 30 रूट फैली हुई है और करीब 500 डेस्टिनेशंस हैं। बात करें इंडिया की तो यह वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है 68,103 किलोमीटर के लंबे नेटवर्क के साथ। फैक्ट नंबर 2, शंघाई का मैगलेव ट्रेन 430 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ वर्ल्ड का फास्टेस्ट ट्रेन है और यह औसतन 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जिसके कारण 30 किलोमीटर की दूरी यह मात्र 8 मिनट में तय कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, स्विट्जरलैंड का ग्लेशियर एक्सप्रेस इस दुनिया का स्लोएस्ट ट्रेन है, जो 291 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 8 घंटे का समय लेता है। यहाँ बात हो रही है नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन की। यह इतनी स्लो है क्योंकि इसके रास्ते में कई सीनरी ओवरलैप पास, जो कि इसके यात्रा की सबसे ऊंची जगह है, और लैंड वाशर वायाडक्ट, जो कि 65 मीटर ऊंची 6 आर्चेस ब्रिज है, और यह सीधे एक सुरंग में जाकर मिलती है जो एक पहाड़ की तरफ जाता है। यह दिन भर में 91 सुरंग और 291 ब्रिजेस को पार करता है और साथ ही एल्पाइन घास, पर्वत, झील जैसे सुंदर चीज़ों का दर्शन करवाते जाता है। इसमें तो 8 घंटे का पता ही नहीं चलता होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखें। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इस वर्ल्ड का स्टीपेस्ट ट्रेन भी स्विट्जरलैंड में ही है, मतलब वह ट्रेन जो सबसे तीखी ढलान चढ़ता है। यह ट्रेन पैसेंजर्स को माउंट पाइलेटस के शिखर तक लेके जाता है, जो कि 48% तक के ढाल पर चढ़ाई करता है। यह यात्रा बहुत ही जोखिम भरा होता है। यात्रा के दौरान ऐसा लगता है कि ट्रेन बस पलटने वाला है। अपने यात्रा के दौरान कई सुरंगों से गुजरता है और एक बहुत ही सुंदर परिदृश्य दिखलाता है। क्या आप ऐसे डरावने और सुंदर सफर के मुसाफिर बनना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 5, 2 महाद्वीप को पार कर पुर्तगाल के पोर्टो से सिंगापुर का अविश्वसनीय यात्रा इस दुनिया का सबसे लंबा रूट है, जो एक ट्रेन के द्वारा कवर किया जाता है। यह यात्रा करीब 16,000 किलोमीटर लंबी है, जो 12 दिन में समाप्त होता है। अगर आप इसका सफर करना चाहेंगे तो इसकी टिकट की कीमत आपको $7,000 पड़ेंगी। फैक्ट नंबर 6, स्विट्जरलैंड का गोथार्ड बेस टनल 57 किलोमीटर लंबा है और यह 2450 मीटर गहरा भी है, जो इस दुनिया का सबसे लंबा और गहरा रेलवे टनल है। यह टनल सेंट्रल और दक्षिणी यूरोप को हाई स्पीड लिंक प्रदान करता है। फैक्ट नंबर 7, 1758 में स्थापित मिडलटन रेलवे इस दुनिया का सबसे पुराना रेलगाड़ी है, जो अभी भी कार्यरत है। दरअसल इंग्लैंड इसे आज भी रेलवे विरासत के तौर पर चलाता है। यह ट्रेन मिडलटन पीट से लीड्स तक कोयला ढोने का काम करता था। 1812 में यह स्टीम लोकोमोटिव से चलने वाला पहला रेलगाड़ी था। 1969 तक इसके रेलवे लाइन को पैसेंजर के लिए नहीं खोला गया था और आज के दिन यात्री इस विरासत पर चढ़कर इसका आनंद लेते हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में ही है, चेनाब रेलवे ब्रिज। यह ब्रिज चेनाब नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई नदी से 359 मीटर है और एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंची है। इस रेलवे ब्रिज का उद्घाटन अगस्त 2022 में हुआ था। इस ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। इसके ऊपर से गुजरने पर दिखने वाला नज़ारा आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। फैक्ट नंबर 9, पृथ्वी पर लगभग 13 लाख किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। यह इमेजिन करना भी मुश्किल है कि यह कितनी दूर तक जा सकती है, पर अगर हम
इसे कंपेयर करें तो पृथ्वी पर से चांद की दूरी 384,400 किलोमीटर है। इसका मतलब हम चांद पर जा सकते हैं और आ सकते हैं, फिर जाकर आधे रास्ते तक आ सकते हैं। चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी का लगभग 3.5 गुना है ये। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकता, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसका नाम लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस स्टेशन के नाम में 58 लेटर्स हैं, वो भी आधे टेढ़े हैं। आप इसे ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आप इसे बोल पाए या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।